मॉर्निंग दोस्तों, तो मैं अभी जा रहा हूँ जंगल डांस। जंगल डांस एक जगह है जहाँ पे कैफ़े है और दो शाला जिनको बोलते हैं हम, वैसे हैं दो स्पेसेस जो वहाँ पे रेंट के लिए देते हैं। वहाँ पे आप डांस सिखा सकते हो, एक्टिंग सिखा सकते हो या फिर परफॉर्म भी कर सकते हो। तो आज मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे क्लास ले रहा, तो ये बहुत चलते रहता है यहाँ पे, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी डांस क्लास है और फीस भी बहुत कम रहता है, 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ फॉर 3 आवर ऑफ सेशन। तो इससे आपको मौका मिलता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो बहुत ही कम पैसों में, इतना जेब पे फेंकने पड़ेगा नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो ये स्टार्टिंग में बहुत करता था जब यहाँ पे आया था, तो मैं चले जाता था हर एक डांस क्लास के लिए या फिर जो भी चल रहा है, योगा हो गया, एक्रो योगा, हता योगा, विन्यासा, कपोवेरा। तो बहुत ही ट्राई करते 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 फिर इंटरेस्ट आ जाता थोड़े थोड़े चीज़ों में, तो उसको आप पिक कर सकते हो, उस पर ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो। तो यस, मैं जाता हूँ अभी मेरी प्यारी सी बाइक, उसको देखा अभी नहीं देखा तो देख लीजिए, थंडरबर्ड 350 cc, बहुत सुंदर सा बाइक है। इसको मैं लेके आया था बैंगलोर से चलाते हुए, पूरे 11 घंटे लगे थे, सुबह निकला था, काफ़ी रोक रोक के आ रहा था। कैरी कर रहा हूँ अपना डिजिटल, ये बैग हमेशा कैरी करता हूँ क्योंकि यहाँ से पता नहीं स्विमिंग चले जाऊँ या फिर किसी दोस्त के घर चले जाऊँ, पता नहीं कब आऊँगा वापस घर, तो डिजिटल भी कैरी करता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो बताना चाहता था कि कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसा पिक कीजिए स्टार्टिंग में कि आप उसको लेके जा पाए आपके साथ हर जगह, ताकि अगर कुछ खाना ऑर्डर कर लिया कहीं और 15 मिनट है आपके पास, तो आप उसको प्ले कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि कनेक्शन बना रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट से और काफ़ी टाइम डाल सकते हो दिन में। चलो मिलते हैं थोड़ी देर। मैं पहुंच गया हूँ जंगल डांस, ये अरंबोल से 2-2.5 किलोमीटर दूर है और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है ये। जंगल डांस में बहुत ही सुंदर जगह, हम स्विमिंग पूल के एग्जैक्टली सामने बैठे। विकी भाई साहब जो है कंटेम्प्रेरी डांस सिखाने वाले, तो इनसे मैं मिला था 2 साल पहले। काफ़ी काइंड इंसान है, काफ़ी सुंदर से इंसान है, ही इज़ नॉट ओनली अ गुड डांसर बट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो इनसे काफ़ी सीखा है मैंने, इनसे ये भी सीखा है कि सिखाते कैसे हैं डांस क्लास में, तो उसके बारे में हम और बात करेंगे आगे। तो उसके पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या होने वाला है ये क्लास और क्यों लेना चाहिए मुझे इस क्लास को। मुझे तो पता है बट इनके लिए है तो क्या ये बिगिनर्स के लिए है या फिर इंटरमीडिएट भी आ सकते हैं, तो क्या है? वैसे सही बोलूँ तो ये सबके लिए, सबके लिए, अच्छा, कोई भी कर सकता है इसे, बस थोड़ा समझने का पंगा है, बाकी सब ईजी है।
तो बेसिकली इसमें फॉर्म, ये फॉर्म जो है अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल है, लाइक बाकी डांस फॉर्म से बहुत अलग है। और इसमें खासियत ये है कि इसमें कोई रूल्स नहीं है, इसके रूल्स ओनली आप जानते हो, कोई और नहीं बना सकता। आपको बस डायरेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे क्या कौन से मूवमेंट क्रिएट करना है, तो वो सब आइडियाज़ है, बाकी आपके ऊपर है कि कैसे आप उसके साथ खेलते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये हमारे फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली जैसे बोल दो कि आप स्ट्रेंथ और मेंटली आप अवेयर रहोगे स्पेस को लेके, और जैसे कि हम नॉर्मली अगर कहीं चल रहे हैं तो आसपास किसी को धक्का मार के नहीं आ रहे, हमें पता है कि इतना स्पेस मेंटेन करके निकल सकते हैं हम इसे यहाँ से। अवेयरनेस ऑफ द स्पेस एग्जैक्टली। तो पहले कहाँ थे आप? पहले कैसे मतलब इस फील्ड में घुसे, डांस के फील्ड में? तो बेसिकली मैं पहले तो दिल्ली में था। हाँ जी, मैं ओरिजिनली वैसे पटना से, पर दिल्ली में मुझे हो गए काफ़ी समय, लाइक 10 साल से ऊपर, तो मैंने मेरा डांस भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो मैं स्टार्ट किया था डांसिंग कंटेम्प्रेरी और छाव से। छाव इज़ लाइक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म, सो छाव और कंटेम्प्रेरी, सो लाइक इट्स लाइक स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोथ एट द सेम टाइम। सो आई वॉज लर्निंग दिस, बट क्या लाइक माई सिचुएशन वॉज नॉट सो गुड। आई वॉज एज अ पार्ट ऑफ Islam Balak Trust is like an NGO where so many children sleeps. So I just came from there. It's been a long time, so so let's come back to training. Yeah. Okay. Actually, मुझे भी ये एक मार्शल आर्ट सीखना है, मेरे दिमाग में कल भी पड़ी। और छाप के बारे में मुझे याद है कि जब मैं शादी में मिला था आपसे तो ये था मेरे दिमाग में छाप, तो उसी के थ्रू कल भी पड़ कनेक्शन हुआ मेरा, तो वो अभी है बाकी सीखना। Nice. देखते हैं तो बताइए आप कलर के बारे में। नहीं जी, कंटेम्प्रेरी के बैले लेते हैं या जैज लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे लाइंस है और मूवमेंट्स, उनके पैटर्न सेट है कि ये मूवमेंट है तो यही होगा। और कंटेम्प्रेरी में कुछ ऐसा नहीं है, लाइक ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इट्स लाइक फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, नो थॉट्स, जस्ट यू एंड योर स्पेस। You don't know what will be the next movement, you know. So you just play the music and find yourself. So it's, you can start with breathe. Yeah. Just breathe and see how big movement is now. Yeah. Just your body, so expand over your, it's like expanding and exhaling. Yeah. So automatically the other body part will move. Yeah. So that is the contemporary way we go. Very good. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पहुँचे आप, अरंबोल में कैसे पहुँचे, कब से हो इधर और क्या करते हो, मतलब यहाँ पे एक क्लास लेते हो कि क्या सिस्टम है? वैसे यहाँ पे मैं तो काफ़ी समय से लाइक 4 साल हो गए मुझे आए हुए यहाँ पे। और यहाँ पे आया था मैं रीज़न से, गोवा डांस रेजिडेंसी चल रहा था उस वक्त, 2017 में आया था पहली बार। तो मैं रेजिडेंसी का पार्ट था और मैंने ट्रेनिंग किया, उसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल टीचर्स थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे और बहुत मज़ा आया। वो जर्नी ही बहुत ही अलग था। तो लाइक देन कंटिन्यू मैं आता रहा, लाइक बैक टू बैक, लाइक रेजिडेंसी में काफ़ी अच्छा अपना सब फील होने लग गया, तो और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था, और हर बार अलग अलग टीचर्स आ रहे थे, तो प्लस मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रहा था, तो मेरे लिए अच्छा था। और प्लस ये गोवा कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आना चाहता अरंबोल में। वैसे अरंबोल बहुत सुंदर है, आप लोगों को विज़िट करना चाहिए कभी आ रहे हो तो। बिल्कुल। और क्या पूछना है मुझे? अच्छा, ये ट्रांजिशन कब हुआ, जो आपका ट्रांजिशन है फ्रॉम लर्निंग टू टीचिंग, कब आपको लगा कि आप रेडी हो लोगों को सिखाने के लिए ये आर्ट फॉर्म? वैसे देखा जाए तो मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छे डांसर हैं, कर रहा हूँ मैं, लाइक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो तो लर्निंग कंटिन्यू चलते रहता, क्योंकि हम दोनों क्लासेस लेते हैं और हम दोनों एक दूसरे के क्लासेस भी अटेंड करते हैं, क्योंकि इनका ट्रेनिंग अलग रहा है और मेरा ट्रेनिंग अलग रहा है, तो ये यहाँ पे काफ़ी चलते रहता है कि हम एक दूसरे का क्लास अटेंड करके फिर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं लाइक ये ऐसे कुछ सिखा रहा हूँ अभी कि
काफ़ी पहले मैं सिखाया करता था, बहुत कम क्लासेस, तो लाइक बीच में मुझे बोन फ्रैक्चर हुआ था, इंजरी, तो मैंने 7 महीने के लिए बिल्कुल ही छोड़ दिया क्लास, लाइक कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट रेस्ट किया और अदर काम किया मैंने, लाइक जॉब टू सर्वाइव इन गोवा दिस ईयर लाइक आफ्टर लॉकडाउन. सो क्योंकि स्टार्टिंग मैंने पूछा था आपको कि आप क्यों काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे थे कैफे में, 7 महीने इन्होंने कैफे में काम किया, पर मज़ा आया उसमें, बहुत मज़ा आया, खाना बनाने को सीखा, खाना बनाने को सीखा, सर्व कर रहे थे लोगों को खाना, और बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं. अरे हमारा प्लान भी एक्चुअली कैफे डालने का आ गया, बिल्कुल डांस भी सिखाएंगे एक ही जगह पे और कैफे भी खोल देंगे. तो या तो कैसे डील किया आपने बच्ची इंजुरी से, क्योंकि एक जब डांसर को इंजुरी होती है तो काफ़ी कुछ ख्याल आते हैं दिमाग में, क्योंकि इसी में आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करके रखा होता है, और डेली हमारा प्रैक्टिस भी होता है सुबह या फिर शाम या फिर दोपहर हमारा डांस प्रैक्टिस होता है जब, तो फिर आपको जब बोन इंजरी हुआ था तो कैसे आपने कोप अप किया विदाउट मूवमेंट, अ पर्सन लाइक यू कितना 6 घंटे आप मूव करते थे पहले जब प्रैक्टिस के टाइम पे, 6 से 8 घंटे ऐसे, कभी कभी तो हम ओवरनाइट कर देते हैं. हाँ, तो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दैट स्टेज टू लाइक कम्प्लीटली नॉट बीइंग इन मूवमेंट्स, तो ये जर्नी कैसा रहा आपका, क्या किया मतलब आपने, कैसे कुछ बताना चाहते हो इसके बारे में? वैसे ये जर्नी उतना इजी नहीं था, क्योंकि इंजरी इतना इजी नहीं रहता हमेशा की तरह थोड़ा दर्द होता है, पर मैंने जिस वे में हील किया, क्योंकि इंजरी से पहले मैं डांसर हूँ और मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए, बाय. सो लाइक इंजरी से पहले मैं एक डांसर था, तो मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, लाइक हीलिंग और ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क, सो और योगा, तो ये सब सारे मेरे काम आए जब मैं इंजर था, तो इन सब को मैंने यूज़ किया, लाइक ब्रीदिंग मैंने काफ़ी किए, तो 80% मेरे ब्रीदिंग से हील हुए मेरे इंजरी, और बाकी जो 30 जो भी लेफ्ट हैं वो मैंने एक्सरसाइज थोड़े से स्ट्रेचिंग करके ठीक किए हैं. जो ब्रेथ वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, नो सब्सटेंसेस नथिंग, इसमें आपको सिर्फ कॉन्शियसली ब्रीथ करना है. ये हमारे प्राणायाम भी हैं काफ़ी तरह के, जिसके बारे में मैं आपको आगे अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे ये पूरे बॉडी के लिए हमारे यूज़ हो सकता है. इनफैक्ट इट कैन बी यूज्ड इन हीलिंग लॉट ऑफ स्टफ व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल बॉडी. जैसे अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है उसको हील कर सकते हो, और अगर आपको कोई इंजरी है जैसे इन्होंने बताया, और अगर आपको कोई मसल पेन है उसको भी हील कर सकते हो, तो काफ़ी पावरफुल टेक्निक है. तो यहाँ पे अरंबोल में ये भी बहुत चलते रहता है कि जो भी मूवमेंट्स हम सीखते हैं, जैसे ये कंटेम्प्रेरी सीखें, बट इनका और अलग अंडरस्टैंडिंग भी रहता है लाइफ को लेकर और अलग डांस फॉर्म्स को भी लेकर, तो वो भी बहुत दिखाता है. जैसे हमने इनकी इंजरी के बारे में बात की, तो ये हम अगले क्लास में ये ज़रूर नोटिस करके चलते हैं कि हाँ मुझे कोई इंजरी ना हो, और ये दिमाग में रखूँ कि जिसको सिखा रहे हैं उनको भी कभी कोई इंजरी ना हो. बिल्कुल. तो काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें करने को मिलती हैं और अलग अलग मिक्स करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि सब उसी की तरफ जा रहा है, हमको बढ़ाना है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, माइंड स्पेस, क्रिएटिव मूवमेंट्स रखना है. और मज़े करना है. बिल्कुल. मज़े करना मत भूलो. म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक के म्यूज़िक डांस जो भी है मज़े कर, और उसके साथ उसके बाद में आएगा जो भी सीखना पड़ेगा या फिर मेहनत जो लगेगी वो तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर. तो धन्यवाद सुनने के लिए फिर से. मैं आपको लेके चलता हूँ अभी क्लास की ओर, काफ़ी इंटरेस्टिंग से मूव्स रहने वाले हैं. मैं भी काफ़ी टाइम के बाद अटेंड करने आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, काफ़ी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपके लिए. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. बिल्कुल. और अगर इनके बारे में भी अगर कुछ जानना है आपको, इनकी जर्नी फॉलो करनी है, काफ़ी अच्छे डांसर्स है, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ डालते हैं, तो इनका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है और फेसबुक का जो लिंक है और इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं इनकी जर्नी. देख सकते हैं. तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए.